ओ भाई कोई चीज सामने की तरफ में है। कौन है, कौन है ये? इस जंगल के अंदर कोई एक अजीब सी व्हाइट शेडो उन्होंने देखी है। पेड़ को काट कर यहाँ पर इस सड़क को बंद कर दिया गया। अगर मैं पैदल जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, लेकिन रिस्क है जंगली जानवरों का। ओ भाई 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 भाई, ओ ये क्या यार, ओ भाई शायद वो कोई भूत है या प्रेत है, क्योंकि इंसान तो इस तरीके से हो नहीं सकता, और शायद उसके पैर भी उन लोगों को नजर नहीं आ रहे। कर रहा गाड़ी पीछे कर रहा हूँ, गाड़ी पीछे कर रहा हूँ भाई, मैं गाड़ी पीछे कर रहा हूँ। ओ भाई क्या चीज है यार ये। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई हॉन्टेड लोकेशन पर। लोकेशन ऐसी कि एक जंगल का रूट है जो कि एक पतला सा रोड जाता है जंगल के अंदर से, और लास्ट टाइम यहाँ के मतलब जो गांव वालों ने जो यहाँ पर चीज़ देखी, कहते हैं कि गांव के अंदर इस जंगल के अंदर, गांव के अंदर नहीं, इस जंगल के अंदर कोई एक अजीब सी वाइट शेडो उन्होंने देखी है। उन लोगों का कहना है कि शायद वो कोई भूत है या प्रेत है, क्योंकि इंसान तो इस तरीके से हो नहीं सकता, और शायद उसके पैर भी उन लोगों को नज़र नहीं आ रहे थे। तो वो लोग इतने ज़्यादा घबरा गए थे, इतने ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि वो लोग ऐसे थे कि जो जंगल में लकड़ी वगैरह चुनने के लिए जाते हैं ना घर में, क्योंकि ठंड का भी टाइम है, और कितने लोग होते हैं कि घर के आगे अपने ऐसे आग जला के बैठते हैं, तो वो जंगलों में जाते हैं ऐसे लकड़ियां वगैरह उठा के लेके आते हैं। जब वो गए थे तो उन्होंने वो चीज देखी कि वहां पर एक कोई व्हाइट शेडो थी, काफी दूर से वो चीज दिखी, और जैसे ही वो चीज उन लोगों को नजर आई, उन लोगों ने वहां पर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं समझा, वो फटाफट वहां से भाग कर आ गए। और कहते हैं कि उनमें से जो थोड़ा सा एक होता है ना कि लोगों के जैसे मानसिक संतुलन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई बंदा कितना डरता है, कोई कितना नहीं डरता है, तो जो बंदा सबसे ज्यादा डरने वाला था ना, उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि कहते हैं वो एक हफ्ते तक वो बेड से उठा नहीं, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो भाई इस बात में कितनी सच्चाई है क्या कितना नहीं, ये सारी चीज़ें तो पता चलेगी जब हम उस जंगल के अंदर घुसेंगे और देखेंगे कि क्या सच में वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो उन लोगों ने देखी थी, और अगर ऐसी चीज़ है तो फिर वो क्या चीज़ है, वो कितनी खतरनाक है, कितनी पावरफुल है, ये सारी चीज़ें पता देखने की कोशिश करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम जंगल के अंदर घुस रहे हैं तो भाई सबसे बड़ा रिस्क तो होता है कि जंगली जानवरों का, लकड़बग्घे, शियार, पैंथर, और पैंथर मतलब बोले तो जिनको हम तेंदुए भी बोल सकते हैं, मतलब उनकी तादाद यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि जब ये लोग भी जब जैसे गांव के लोग भी जब लकड़ियाँ चुनने के लिए वहाँ पे जाते थे ना, तो कहते वो अपने साथ में कुल्हाड़ी वगैरह या फिर और कोई हथियार वगैरह या चाकू वगैरह कुछ अपने साथ लेके जाते थे कि जब वो उनके ऊपर हमला करे तो वो अपनी सेफ्टी पर्पज़ से उसका इस्तेमाल कर सके और अपनी जान बचा सके। तो भाई ये चीज़ें हैं, जंगल के अंदर घुस रहा हूँ, गाड़ी से जाऊंगा, और क्योंकि इससे बड़ी सेफ्टी तो मेरे पास इस टाइम और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो कहाँ से मेरे पे कौन सा जानवर हमला करेगा, चाहे भालू कर दे, चाहे वो तेंदुआ कर दे, चाहे वो बाघ कर दे, चाहे वो लकड़बग्घे कर, मतलब कुछ नहीं पता, ठीक है। और सेकंड थिंग जिसका रिस्क है, जिसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो घोस्ट जो भी एक चीज़ वो नज़र आई है, ठीक है। और वीडियो काफ़ी लेट आ रही है YouTube पे, तो उसके लिए मैं दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, ठीक है। तो अभी बातें ज़्यादा हो गई, मैं आप लोगों को सामने की तरफ रूट दिखाता हूँ। अभी तो ये गांव की तरफ से जस्ट ये रोड स्टार्ट हुआ है, अभी हम जब थोड़ी और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से फिर वो जंगल का रोड स्टार्ट हो जाएगा, फिर वहाँ से सब कुछ पता चलेगा कि जंगल के अंदर जाने के बाद हमको क्या कुछ नज़र आता है, क्या कुछ नज़र नहीं आता है, सारी चीज़ें पता चलेगी जब जंगल के अंदर हम घुसेंगे। तो जंगल के अंदर जाने से पहले भाई दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो जाकर पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पहली बार आप लोगों ने विजिट किया तो जाके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ऐसी खतरनाक और हॉन्टेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो चलते हैं जंगल के अंदर और देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ पता चलेगा जब हम चलेंगे और आप लोगों को मैं लेकर जाऊँगा। देन लेट्स सी कि क्या होता है हमारे साथ, चलते हैं जंगल के अंदर। तो भाई चलना हम लोगों ने कर दिया है स्टार्ट, और आप लोगों को व्यू आप लोगों को दिख रहा होगा सामने की तरफ में कि कैसा ये रूट है, कि चारों दोनों तरफ से जंगल ही है, मतलब अभी जंगल स्टार्ट नहीं हुआ है, बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा जंगल का हिस्सा है, कहीं कहीं बीच में थोड़ा लोगों के खेत वगैरह भी हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जंगल यहाँ से तकरीबन मेरे को लग रहा है कि 2-2.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद वो जंगल मेरे को नज़र आएगा। और सबसे बड़े रिस्क की बात यह है कि भाई जो भी यहाँ पर जंगली जानवर वगैरह है ना, उन चीज़ों का खतरा है। बाकी हिम्मत करके, थोड़ा सा रिस्क लेकर, और आप लोगों के प्यार के लिए मैं चल रहा हूँ जंगल के अंदर, और देखना बस इतना ही है कि कोई चीज़ हम लोगों को नज़र आती है नहीं आती। और रिक्वेस्ट भी आप लोगों से इतनी है कि आप लोग भी कैमरे पर देख रहे हैं तो
प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप लोगों को रिकॉर्ड होती नज़र आए जो शायद मेरी आंखों से मैं अपनी ना देख पाऊँ या मैं मिस कर जाऊँ, तो रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को कमेंट करके टाइमिंग के साथ ज़रूर बताना, क्योंकि मैं फिर उस वीडियो को उस चीज़ों को दोबारा नोटिस करता हूँ और दोबारा देखने की कोशिश करता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मुझसे मिस हो गई देखने में और आप लोगों ने वो नोटिस कर ली। भाई मैं तो अपनी दो ही आंखों से देख रहा हूँ, आप लोगों की हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं, कितनी हज़ारों लाखों आँखें हैं, तो चलते हैं। एक्चुअली आप लोग बोल रहे हो कि मैं बातें इतनी कर रहा हूँ, तो मैं बातें इतनी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डर लग रहा है, अगर मैं चुप रहा और ऐसे चलता रहा ना तो डर के मारे सच बताऊँ मैं भी अंदर नहीं जा पाऊँगा। और देखो एक छोटा सा ट्यूबवेल जैसा यहाँ पर बना पड़ा है, तो अभी यहाँ पर गाँव का ही थोड़ा सा हिस्सा है, बहुत मतलब एक घनी आबादी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि शायद वो जंगल की वजह से और जंगली जानवरों की वजह से इस तरफ में लोग नहीं रहते हैं। हाँ हालाँकि यहाँ पर खेत वगैरह हैं तो लोग आते होंगे दिन में, लेकिन शाम के समय यहाँ पर कोई भी नहीं आता। और ये देख रहे हो यहाँ से इस जगह से अब जंगल स्टार्ट होने वाला है भाई। तो भाई दोबारा बोलूँगा आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है कि ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि जगह जगह पेड़ या पेड़ की टहनियाँ टूट कर गिरी हुई हैं। भाई 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 एक मिनट भाई, आप लोगों ने नोटिस किया है नहीं किया आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरी उंगली देख रहे हैं आप लोग, ठीक इस जगह पर अभी लगा कि जैसे कोई चीज़ वहाँ पर बैठी हुई थी एंड वो सडनली गायब हुई। भाई ये चीज़ थोड़ी अजीब थी, अभी तो कैमरे के अंदर नहीं दिख रही है, पता नहीं मैं अभी कैमरे के अंदर नहीं देख रहा था, मैं अपनी नॉर्मल आँखों से बात गाड़ी में चला रहा हूँ तो सामने देख रहा था। और ये क्या चीज़ है, कौन सा जानवर यार आ यार, एक पक्षी बैठा था वो उड़ गया, और ये कुत्ता है शायद, कोई कुत्ता है ये आया भाई सामने की तरफ से जंगल के अंदर से निकल कर। इसका चेहरा पर भाई इसका चेहरा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे जंगली कुत्ता, जैसे वो नहीं होते लोमड़ी वगैरह या फिर क्या बोलते हैं यार उनको, गीदड़ बोल सकते हो, वैसी थोड़ी है, लेकिन ये वो नहीं है, ये कुत्ता ही है, लेकिन बड़ा अजीब सा और बड़ा ख़तरनाक सा इसका चेहरा है। इसको छोड़ते हैं क्योंकि अभी इस जगह पे मैं उतरूंगा तो शायद ये भी हमला कर सकता है, क्योंकि जंगली कुत्तों का कुछ भरोसा नहीं है, जो गली के और नॉर्मल कुत्ते होते हैं उनकी बात अलग होती है, लेकिन ये जंगली कुत्ता है। और भाई मैं गाड़ी बहुत धीरे धीरे चला रहा हूँ क्योंकि डर लग रहा है मेरे को भी, और ऐसी जगह पर डरना स्वाभाविक है क्योंकि जानकर रिस्क हर तरह से है, पहला कि जो मैंने जंगली जानवरों का रिस्क बताया उसका, और सेकंड कि जो यहाँ पर चीज़ है जिसके बारे में लोग बता रहे हैं और डर रहे हैं जिसको लेकर, और थर्ड थिंग कि चोर लुटेरे लूटपाट करने वाले छीना झपटी करने वाले ऐसे लोगों को भाई कोई डर नहीं होता अपनी जानवान का, और वो मतलब लोगों से छुपने के लिए पुलिस से बचने के लिए जंगल का या ऐसे सुनसान सड़कों का या ऐसी जगहों का इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ छुपे रहते हैं, और अगर कोई अनजान शख्स कोई जिसको रोड के बारे में नहीं पता और वो उस जगह पर घुस जाता है तो उसके साथ वो लूटपाट करते हैं और उसके साथ छीना झपटी करते हैं और उसका शायद मर्डर भी कर देते हैं। भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए, तो वो चीज़ है, इन तीनों चीज़ों का यहाँ पर बड़ा खतरा है। और साथ में एक चीज़ और है कि भाई मैं यहाँ पर जो घुसा हूँ इन जंगलों में, यहाँ पर घुसना भी मना है अंधेरा होने के बाद में, पुलिस वगैरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह हर कोई यहाँ पर गश्त लगाते रहते हैं, अगर उन लोगों ने भी देखा तो खतरा है। और ये देखो यार सामने जा पाना यार मुश्किल है, मेरे को लग नहीं रहा यहाँ से गाड़ी जाएगी भाई आगे, क्योंकि यहाँ पेड़ वगैरह देख रहे हो साइड में गिरे पड़े हैं और इस तरफ में भी पेड़ है, क्या करें यार समझ में नहीं आ रहा। एक बार मैं ना नीचे उतर के उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई मैं नीचे उतरा हूँ और यहाँ पर ये ना पेड़ वगैरह टूट के गिरे पड़े हैं, तो ये मेरे को देखना पड़ेगा कि अगर मैं हटा पाऊँ, और गाड़ी मेरे पीछे की तरफ ही खड़ी है तो एक बार मैं पैर से ही देखता हूँ, क्योंकि हाथों में तो मेरा कैमरा है और एक तरह हाथ में लाइट है,
अगर ये साइड हट जाए तो ठीक है, गाड़ी लेके जा सकते हैं आगे, वरना भाई यहाँ से हमें वापस होना पड़ेगा। यार हाथ से हटाना पड़ेगा। काटे चुके हैं यार, इसके अंदर ना कांटे वगैरह भी हैं, तो यार देख लो वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है यार दोस्तों। तो भाई इसको थोड़ा मैंने साइड कर दिया है और थोड़ी सी जगह बन गई है आगे चलने लायक, बाकी देखते हैं गाड़ी कहाँ तक आगे जा सकती है। और ऐसे हालात देख के मेरे को लग नहीं रहा गाड़ी आगे ज़्यादा आगे तक जा पाएगी, तो क्योंकि जंगल का माहौल है, जगह जगह पेड़ भी गिरे होंगे, देखते हैं भाई। तो भाई हटा दिया है मैंने, थोड़ा बहुत रास्ता बना है, ज़्यादा नहीं बना है, लेकिन देख के निकालना पड़ेगा क्योंकि पूरा नहीं हट पाया है। और गाड़ी में स्क्रैच से पड़ रहे हैं और बहुत देख संभल कर भाई, यहाँ पर भी पेड़ गिरे पड़े हैं, बाकी देखता हूँ शायद इसके ऊपर से निकल जाए क्योंकि बहुत छोटी सी टहनी है ये। भाई देख लो ऐसे ऐसे ही रिस्क से निकलना पड़ता है दोस्तों। अभी जैसे कि मैं एक मिनट ऐसे ही अभी जैसे मैं वो टहनी वगैरह हटाने के लिए उतरा था तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता था, कोई जंगली जानवर आके मेरे पे अटैक कर दे, कुछ भी हो सकता था। और भाई इस जगह पर तो देखो बिल्कुल ही शायद रोड बंद कर दिया हो गया है, किया तो किसी ने भी नहीं है, लेकिन इस जगह पर भाई दोस्तों रोड बंद है और यहाँ से आगे जा पाना नामुमकिन है दोस्तों। शायद ये गांव वालों ने किया होगा कि कोई जंगल के अंदर ना जा पाए क्योंकि यहाँ पर खतरा है। मैं एक बार गाड़ी बंद कर देता हूँ, एक बार बाहर उतर के देखते हैं दोस्तों। तो भाई दोस्तों मैं गाड़ी उतर के नीचे आया हूँ और यहाँ पर ये चीज़ें देख के ना, ये देखो जिस तरीके से ये चीज़ें रखी गई हैं, तो मेरे को अब यही लग रहा है कि शायद गांव वालों ने ही इस रोड को बंद कर दिया है क्योंकि जंगल यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और ताकि गाँव वाले भी शायद नहीं चाहते थे कि कोई अंदर जाए और उसके साथ कोई खतरा हो जाए, कोई भी चीज़ हो, तो उन लोगों ने शायद यहाँ पर इस पेड़ को, ये देखो इस पेड़ को काट कर यहाँ पर इस सड़क को बंद कर दिया गया। अगर मैं पैदल जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, लेकिन रिस्क है जंगली जानवरों का, तो मैं वो रिस्क नहीं उठाऊँगा। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात पता है क्या है कि यहाँ पर ये जो रोड है ना बहुत ही पतला है और यहाँ से गाड़ी अब घुमानी मेरे को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आने वाली है, तो पहले तो मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ दोस्तों और उसके बाद आगे की बात करते हैं यार।
ये बहुत गलत हो गया, ये रोड सबसे सेफ था, एक और रोड है लेकिन वो बहुत ही पतला और समझ लो ना एक सिर्फ एक या दो बाइक निकलने वाला रास्ता है, तो देखते हैं कि अगर उस रोड पे जाना पॉसिबल हुआ तो चलते हैं, वरना इस रोड पे तो जाने लायक ही रोड नहीं रहा है दोस्तों, तो यहाँ से वापस होना पड़ेगा। तो भाई गाड़ी काफ़ी मुश्किलों से, तकरीबन मेरे को आधा से पौना घंटा लग गया गाड़ी घुमाने, मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा बैक करना, फिर हल्का घुमाना, थोड़ा बैक करना, ऐसे करते करते मेरे को तकरीबन पौना घंटा हो गया जगह पे गाड़ी घुमाई है। और अब वापस यहाँ से निकलना है और दिक्कत वाली बात वही है दोबारा से कि यहाँ पर देखो टहनियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें गिरी पड़ी हैं। अब मेरे को पता है दूसरी चीज़ भी यही लग रही है कि अगर मैं उस जो एक और रोड है, कहते हैं ये रोड सबसे बढ़िया है यहाँ से जाने के लिए जंगल की तरफ में, लेकिन अगर मैं दूसरे रोड की तरफ से जाता हूँ तो कहते हैं वो रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और अगर गाड़ी एक बार फंस गई वहाँ पर तो वहाँ से निकल पाना समझ लो वहाँ पे मेरे को बैक बैक ही निकलना पड़ेगा, और अगर बैक बैक नहीं निकल पाया तो फिर रात भर मेरे को वहीं फंसे रह जाना पड़ेगा। तो भाई ये दिक्कत है, बाकी चल रहे हैं आगे की तरफ में। एक मिनट शीशा नीचे करता हूँ, किसी की रोने की आवाज़ आ रही है दोस्तों, एक मिनट में गाड़ी बंद करता हूँ और लाइट लेता हूँ। पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई थी अभी, कौन है यहाँ? ओके यार, मैं जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं एंड किसी की अजीब सी रोने की आवाज़ आई थी। मैं थोड़ी सी लाइट देखता हूँ तेज़ हो जाए तो, कैमरा संभाल पाना मुश्किल हो रहा है, और दूसरी चीज़ कि ना प्रॉपर चीज़ें फोकस नहीं कर पा रही, और साथ ही जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं पता नहीं किस तरफ से। और यार यहाँ पे पेड़ देखो कैसे भयानक से लग रहे हैं, एंड शायद उधर नीचे की तरफ में कोई रूम बना हुआ है, क्या बना हुआ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का पहले का ऑफिस होगा शायद, तो वो चीज़ है। और ओ भाई 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 सामने की तरफ कोई था भाई, वहां पर कोई था, अभी मैंने रेड सर्कल करके दोस्तों आप लोगों को दिखाया, वहां पर कोई था शायद, ब्लैक शेडो थी कोई, क्या चीज थी, कोई क्रॉस हुई है भाई, कोई था वहां पर, कोई तो था, कौन है वहां भाई? ये रोने की आवाज भाई, ये रोने की आवाज आ रही है, मैं गाड़ी में चलता हूँ यार, और साथ ही जंगली जानवरों की आवाजें आ रही है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ। तो भाई पता नहीं क्या अजीब सी ना, एक मेरे को शायद मन का वहम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे को एक ब्लैक शेडो जैसी चीज़ दिखी थी वहाँ पे, शायद मैंने राउंड सर्कल दिखाने की कोशिश भी करी है, अगर आप तो आप लोगों को दिखा हो तो। और एक सेकेंड, और भाई दूसरे रास्ते की तरफ मैं जा रहा हूँ, पहले मैं इस रोड से निकल जाऊँ सबसे बड़ी बात यही है, और उस रोड पे अगर अंदर जाने लायक रहा, मतलब जगह लोग देखनी पड़ेगी, रोड देखना पड़ेगा कि वहाँ पे मैं अंदर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, और उसके बाद फिर वहाँ का माहौल देखना पड़ेगा कि भाई क्या है वहाँ का माहौल। तो उसके लिए पता है कि यहाँ से आगे की तरफ से ना एक रोड कट रहा है, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, वहाँ से मेरे को गाड़ी बहुत मुश्किल से उतारनी पड़ेगी, और उसके लिए देखते हैं, पहले मैं रोड देखता हूँ कि वहाँ से गाड़ी उतर सकती है कि नहीं उतर सकती है, वो भी मेरे को देखना पड़ेगा, अगर गाड़ी उतर जाती है तो और आगे चली जाती है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अच्छा दो रोड कट रहे हैं यहाँ से, ये देखो एक नीचे की तरफ में इधर जा रहा है और एक इस तरफ में जा रहा है, तो मेरे को अभी यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से गाड़ी जा सकती है कि नहीं जा सकती। मैं एक बार लाइट से देखता हूँ दोस्तों, तो ये जंगल का ये रोड है और यहाँ से मेरे को गाड़ी नीचे की तरफ से उतार कर लेके जानी पड़ेगी आगे की तरफ में, तो यहाँ से मैं गाड़ी उतारता हूँ
घुमा के मेरे को आगे से गाड़ी दोबारा घुमानी पड़ेगी यहाँ से और फिर वापस लेके जाना पड़ेगा। तो एक बार मैं गाड़ी घुमाता हूँ और उसके बाद अंदर चलते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि ऐसे दिखाते हुए गाड़ी मोड़ पाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, अगर गाड़ी इधर उधर हुई तो पलट भी सकती है। तो एक बार गाड़ी घुमा लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद फिर चलते हैं आगे, फिर दिखाता हूँ, बात करते हैं। तो भाई मैंने जंगल के अंदर मैं यहाँ पे गाड़ी उतार ली है, और मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था कि आप लोगों को कि मैं गाड़ी उतार के फिर कैमरे से दिखाता हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड में आप लोग देखो ना, यहाँ पर काफ़ी गड्ढे टाइप में, और अगर मेरी गाड़ी का टायर वगैरह फंस जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं रात भर यहाँ फंसा रह जाऊँगा दोस्तों, यहाँ पर कोई बचाने के लिए भी नहीं आएगा। और एक बार जंगल का माहौल देखो कि कितना ही खतरनाक है, कितना ही भयानक है यार। और जंगली जानवरों का खतरा तो जो है वो तो है ही भाई। मगर शीशा साफ कर, एक मिनट भाई। ओ भाई कोई चीज़ सामने की तरफ में है, ओ भाई कोई चीज़ सामने की तरफ में है। कौन है, कौन है ये? ओ भाई 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 भाई, ओ ये क्या यार? ओ भाई, ओ तेरी, मैं गाड़ी पीछे कर रहा हूँ, गाड़ी पीछे कर रहा हूँ। ओ भाई क्या चीज़ है यार ये? भाई क्या है ये भाई? ये जंगल के अंदर जा रही है, जंगल के, मैं गाड़ी पीछे कर रहा हूँ भाई, पता नहीं क्या चीज़ है यार। ओ भाई भाई शायद वो देखो उधर लेफ्ट में दिख रही है भाई, भाई इसी के बारे में बता, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ भाई। भाई बड़ी मुश्किलों से गाड़ी बैक करके ही मेरे को दोबारा निकाल के यहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ी, और मैं दोबारा उस रोड की तरफ में आ चुका हूँ जो पीछे रोड पे जाके मैं फंस चुका था, जहाँ पे पेड़ की टहनियाँ वगैरह तोड़कर गांव वालों ने रोड बंद कर दिया था। और सबसे अच्छी बात यह कि मेरी गाड़ी कहीं नहीं फंसी, मैं उस जगह से निकल गया, और जो चीज़ रिकॉर्ड हुई ना भाई दोस्तों, कसम से मेरे होश उड़ गए थे। मैंने इतनी जल्दी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मेरे को लगा था शायद मेरे को पूरी रात यहाँ पर बितानी पड़ सकती है, और क्योंकि मैं अकेला हूँ। और जैसे ही वो चीज़ मेरे सामने आई ना, मैं इतनी बुरी तरह से घबरा गया कि वहाँ पर मैंने एक पल भी रुकना ठीक नहीं समझा। सबसे अच्छी बात मेरे को पता क्या लग रही है कि मेरी गाड़ी कहीं नहीं फंसी, मैं फटाफट वहाँ से निकल कर आ गया। और सेकंड थिंग कि भाई मेरे जो शीशा है ना, ये खुला था, क्योंकि जब मैं गाड़ी मोड़ रहा था ना, तो उस टाइम से शीशा ओपन था, और ये शीशा ओपन ही करके गया था। और मेरे को बस एक चीज़ ये लग रही है, मेरे को अभी ध्यान में आया कि मैंने शीशा नीचे कर रखा था। भाई मेरे को अब ये लग रहा है कि जैसे मैंने शीशा नीचे करके मैं गया था, और वहाँ से अगर कोई जंगली जानवर अटैक करता तो बहुत आसानी से मेरे को पकड़ सकता था, मेरे ऊपर हमला कर सकता था। तो मेरे को चीज़ अब ध्यान में आया कि मेरे को उस टाइम पे शीशा बंद रखना चाहिए था, लेकिन अच्छा हुआ भगवान की कृपा से कि मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन जो चीज़ रिकॉर्ड हुई उसके बारे में कुछ भी कह पाना यार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ रिकॉर्ड हुई ना, कि एक तो उसके पैर नहीं दिख रहे थे, सेकेंड थिंग कि उसके बाल आप लोगों ने नोटिस किए होंगे कि बहुत लंबे लंबे और पूरे वाइट बाल थे, कोई चेहरा नहीं दिख रहा था, उसका हाथ नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं, बस एक वाइट शेडो जैसी कोई चीज़ क्रॉस होती हुई जंगल में पूरी जाती हुई रिकॉर्ड हुई भाई दोस्तों। भाई उसके बाद मैं यहाँ से निकल गया हूँ। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस जगह पे दोबारा आऊँ, या मैं किसी और भाई को, ओम को या रवि भाई को या किसी को भी साथ में लेकर आऊँ, तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। बाकी मेरी खुद से दिल से इच्छा है कि मैं इस जगह पे एक बार फिर आऊँगा और नाइट स्टे करने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा, अगर कुछ भी यहाँ पर रिकॉर्ड होता दिखता है या कुछ भी मेरे को ऐसा दिखता है। तो दोस्तों फिलहाल तो मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जंगल का माहौल है, अगर कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला या कोई पुलिस वाला कोई अगर आ जाए तो मेरे को जवाब देना काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात उनका क्वेश्चन यही रहेगा कि भाई तुम अकेले इस जंगल में क्यों गए, जब तुम्हें पता है कि इतना बड़ा रिस्क है, जंगली जानवरों का खतरा है। तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, हालांकि मैं उस चीज़ से डरता नहीं हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन बस एक वही है कि कुछ समय मेरा ख़राब होगा, तो मैं वो नहीं चाहता। तो मैं यहाँ से फटाफट बाहर निकल रहा हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और उसके जो चीज़ दिखी है, जो चीज़ रिकॉर्ड हुई है, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो भी मेरे को ज़रूर बताना। चैनल पहली बार सब्सक्राइब किए मत जाना, मेरे फेसबुक पेज पांडे जी को फॉलो कर लेना, उस सभी के मेरे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लेना, सभी के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह पर, कोई हॉन्टेड सी वीडियो लेकर, या इसी जंगल के अंदर यहाँ के सेकेंड पार्ट के साथ, ये जो भी चीज़ दिखी इसके मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए, क्या चीज़ थी क्या चीज़ नहीं थी सब कुछ पता लगाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए